सो गाइज वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर आने वाली है जैसा कि आप सबको पता ही है, तो गाइज़ उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और गाइज़ आप सभी के लिए सरप्राइज़ बहुत ही तगड़ा है, आपको 5x इस चैनल पे गिव अवे मिलने वाले हैं। यस गाइज 5 वॉचेस का मैं गिव अवे करूँगा, बहुत जल्दी आपको मिलेंगी और अनबॉक्सिंग और रिव्यू बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज़ किस तरीके से कैसे क्राइटेरिया रहेगा आगे बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस ग्लैडिएटर, जैसा कि मैंने इसके बारे में प्रीव्यू बनाया था, बहुत पहले प्रीव्यू बनाया था, बट बहुत जल्दी सेल पे आने वाली है, ठीक है। 30 तारीख को आपको ये सेल पे मिल जाएगी। और कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ ऐसी भी बातें जो हमारे चैनल पे होने जा रही हैं, जैसे कि 5 गिव अवे आपको मिलने वाले हैं। यस गाइस आप में से ही किसी 5 लकी विनर्स को मिलेगी ये वॉच। इसके लिए क्राइटेरिया सिंपल सा रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए अभी से ही। और गाइज यहाँ पे कलर कौन सा बेटर रहेगा, ये तो सेल पे 30 तारीख को जाने वाली है, ठीक है। कलर कौन सा बेटर रहेगा, क्या इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी, क्या इसमें वायरलेस चार्जिंग मिलेगा आपको जैसे कि आपको एप्पल की वॉच में मिलता है, तो वो सब हम बातें करेंगे यहाँ पे। फायरबोल्ट ग्लैडिएटर अ क्वेस्ट फॉर एडवेंचर। और गाइज एक और गिव अवे का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, फायरबोल्ट के पेज को जरूर फॉलो करना है आपको, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। इंस्टाग्राम के पेज को हमारे वाले को खासकर उसको भी आप फॉलो कर लो, मतलब इंस्टाग्राम का जो हमारा वो है प्रोफाइल है बेसिकली टेकपोक नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ आपको बहुत ही मैसिव मिलता है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ अदर वॉचेस से खासकर, तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ अच्छा है और यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलने वाली, क्योंकि फायरबोल्ट ये चीज़ अचीव कर चुका है। क्योंकि फायरबोल्ट की टैंक वॉच में आपको जो बेजल्स हैं वो हल्की सी नीचे की साइड चेन मिलती है, बट अगेन जो राइज वॉच है फायरबोल्ट की उसमें सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फायरबोल्ट ने ग्लैडिएटर में आपको जो बेजल्स हैं वो सिमेट्रिकल दिए हैं, और उसी के साथ साथ 600 निट्स की ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस लेवल तो टॉप नॉच मिलते हैं यहाँ पे, 600 निट्स प्लस की ब्राइटनेस है, तो 650 निट्स तक की भी हो सकती है, 1000 निट्स की तो नहीं होगी बट 650 निट्स तक की आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको जो पूरा केसिंग है वो देखने को मिलेगा। अब ये एल्यूमिनियम रहेगा या मतलब स्टेनलेस स्टील रहेगा वो तो अनबॉक्सिंग के टाइम में आपको बताऊंगा, बट 5 वॉचेस तो आपको मिलनी है, मतलब 5 लोगों को तो आप में से मिलनी है किसी ना किसी को, तो आप खुश हो जाइए और लाइक कर दीजिए तुरंत इस वीडियो को। आगे बात आती है यहाँ पे 85% लेस बेजल्स। तो 85% लेस बेजल्स अगर हम देखें फ़ोन का, जो अभी मिनिमम जो आप फ़ोन बाय करते हैं, तो जो आपका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है 84:85 रहता है, तो बहुत ज़्यादा कम बेजल्स होती हैं, तो उस तरीके से इसमें देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें यहाँ पे एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का मतलब समझ गए ना, सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन। यस गाइस अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ पेबल की जो कॉस्मोस एंगेज है उससे खासकर, तो उससे काफ़ी बेटर है क्योंकि उसमें आपको डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलेगा। सेकंड ऑडियो प्रोफाइल आपको पेयर करनी पड़ेगी, इसमें आपको पेयर नहीं करना पड़ेगा सेकंड प्रोफाइल, ठीक है। उसी के साथ साथ डायल पैड कॉन्टैक्ट लिस्ट। यस गाइस यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट्स मेरे ख्याल से देखते हैं यहाँ पे 8 तो 10 तो मिलेंगे ही मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं वो नहीं पता, बट 10 तो ज़रूर मिलेंगे आपको। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अनब्रेकेबल अनफॉरगेटेबल, तो गैज यहाँ पे स्क्रीन गार्ड चढ़ा लेना, टेम्पर्ड चढ़ा लेना। टेम्पर्ड अगर अवेलेबल होगा मैं अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका टेम्पर, ठीक है। टफर देन टफ। अब गैज ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम रगेडली यूज़ कर रहे हो उसको, कहीं भी दिवाली पे अपने लड़ा दिया तो बच जाएगी वॉच, खराब टूट सकती है, ग्लास टूट सकता है, तो थोड़ा सा इसको केयर से यूज़ करना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टर्डी रगेड, यहाँ पे रेज योर एंड्योरेंस, 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी, या मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो SPO2 HR मॉनिटर की एक्यूरेसी है, तो वो आपको अच्छी मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑटो रिकॉग्निशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यस इसमें ऑटो रिकॉग्निशन का ऑप्शन नहीं है स्पोर्ट्स मोड के लिए, बट यहाँ पे 5 GPS असिस्टेड मोड्स मिल जाते हैं। मतलब एप्लीकेशन में जनरली जितनी वॉचेस होती हैं उसमें एक ही होता है रनिंग के लिए, दैट्स इट, बट यहाँ पे 5 GPS असिस्टेड मोड मिल जाते हैं, और यहाँ पे गूगल ए सिरी को आप एक्टिवेट कर सकते हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे टू डू लिस्ट, यहाँ पे 7 डेज का बैटरी भी देखने को मिलता है। बैटरी कितनी चलेगी एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बैटरी 3 डेज तक रन कर सकती है अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ करते हो, आराम से 3 डेज तक चल जाएगी आपकी बैटरी आराम से। फिटनेस मोड्स पे यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन निकाल देगी वॉच। 8 मेन्यू स्टाइल मिल जाएंगे, इसमें आई वॉच वाला भी मिलेगा। यस गाइस जो आपको चाहिए आई वॉच वाला सीरीज 8 अल्ट्रा वॉच की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस मैं दोबारा आपको बता दूं, यहाँ पे याद दिला दूं गिव अवे। यस गाइस 5 वॉच का गिव अवे करने वाले हैं हम अपने चैनल पे पहली बार, और आपको करना क्या है इसमें तो क्राइटेरिया आप सुन लो थोड़ा सा। आपको हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करना है, और टेकपोक नाम से आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। ज़्यादा वहाँ पे फॉलोवर्स नहीं हैं, आप फॉलो कर लीजिए, बढ़ा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और
जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आएगी उस पर तो मैं बता दूंगा एक्जैक्टली क्राइटेरिया। ये फिलहाल इतना क्राइटेरिया आप फॉलो कर लो, ठीक है। पांच गिव अवे याद रखना, पांच लोगों को आप में से मिलेंगे वो। वर्किंग क्राउन यहाँ पे मिलता है। यस गाइस, ये क्राउन वर्किंग है, इससे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। हेल्थ स्वीट, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा 24/7, एसपीरेटरी लेवल मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें बीपी मॉनिटर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। IP67 रेटेड है, 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक। डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी, वैसे आप जिम में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर फीचर्स की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे राइज में या आपको फायरबोल्ट की जो टैंक थी उसमें सेम जो फीचर इसमें भी दिए गए, जैसे कि वेदर अपडेट्स है, कैलकुलेटर मिल जाएगा, फिर गेम्स मिल जाएंगे, 4 गेम्स मिलेंगे इसमें भी आपको सेम एज इट इज़। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, अलार्म और कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। पाइनरिंग डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है वॉच का, देख सकते हो। यहाँ पे एक तो स्पीकर का वेंट है और जगह माइक का वेंट है। पीछे की साइड आपको एल्यूमिनियम की जो केसिंग है वो मुझे लग रहा है हो सकती है, या पॉलीकार्बोनेट का हो सकता है पीछे की साइड से। और सेंसर इस तरीके से मिल जाते हैं, सेंसर जो आपको मिलेंगे ना राइज में जैसे मिलते हैं, जैसे आपको टैंक में मिलते हैं, उस तरीके से सेंसर यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे श्योरली बताऊँ आप सभी को, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यस, आपने सही सुना, इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा वॉच में। इसमें आपको टिपिकल जो मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये वाले स्ट्रैप्स क्या मिलेंगे इसमें इस टाइप के, तो गाइज़ इसका अभी कंफर्म नहीं किया गया कंपनी तरफ से। ये अगर मिलेंगे भी ना तो आपको 500 रुपये महंगे मिलेंगे, लूप वाले टाइप के स्ट्रैप्स। तो ये आपकी वॉच मेरे ख्याल से पड़ सकती है 2999 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में। वैसे 2500 में लॉन्च होगी, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रैप्स के साथ जो आपको मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप इस वाले स्ट्रैप को ग्रैब करना चाहोगे तो इसके साथ वॉच ही आपको 2999 की पड़ सकती है, ठीक है। और वॉच तो कमाल की है ही, ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे फीचर आपको पैक करके दे रही है वॉच। बस मैं हमेशा कहता हूँ एक एक दो चीज़ की कमी रह जाती है, वही एक चीज़ की, इंटरनल मेमोरी होती। अगर इंटरनल मेमोरी होती वॉच में तो मतलब कमाल ही हो जाता है। या तो अगर एमोलेड डिस्प्ले होती, इंटरनल मेमोरी ना भी होती एमोलेड डिस्प्ले होती तो मार्केट पूरा डिस्टर्ब कर देती है वॉच। बट अगेन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फायरबोल्ट की जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है अच्छी होती है डेफिनेटली। आपने अभी राइज में या टैंक में देखा तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है। और यहाँ पे अपने पिक को एज अ वॉचेस लगाओगे तो यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होगी। यहाँ पे पिक्सल साइज़ मैं आपको अब रिवील कर देता हूँ कितना है पिक्सल साइज़। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितना पिक्सल साइज़ रहेगा इस वॉच का। इस वॉच का पिक्सल साइज़ है 320x385 पिक्सल्स का। यस गाइस, जैसे आपको फायरबोल्ट की एक बीम कॉलिंग सुना है वॉच आपने, सेम उस तरीके से पिक्सल साइज़ मिलता है इसमें आपको, ठीक है। अब ये किस किस पर्सन के लिए बेटर है, अब बहुत सारे थिन रिस्ट वाले भी लोग इसको बाय करना चाहेंगे, तो गाइज़ अनबॉक्सिंग के टाइम मैं आपको बता दूंगा। अगर ये कॉम्पैक्ट होगी तो आपके थिन रिस्ट पे अच्छी लगेगी वॉच, ठीक है। और ये वाला जो कलर है सिल्वर वाला वेरियंट या मतलब ये गोल्ड वाला, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है डेफिनेटली। तो गाइज़ इस पर अगर वो ऑरेंज वाला लूप चढ़ जाए तो है ना कमाल की बात नहीं हो जाएगी। तो गाइस मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मतलब अगर ऑरेंज लूप के साथ ही अगर 2500 में लॉन्च मिलती है ऑरेंज लूप के साथ तो कमाल ही हो जाएगा, मतलब समझ लो। बट मेरे ख्याल से नॉर्मल स्ट्रैप्स के साथ आपको मिलेगी 2500 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। तो गाइस ग्रैब करने के लिए रेडी हो आप, या आप गिव अवे के लिए रेडी हो, ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आप गिव अवे के लिए रेडी हो या ये अपने पैसों से बाय करने के लिए रेडी हो, ज़रूर बताना। और आप में से 5 लोगों को तो मिलेगी मिलेगी, सिंपल क्राइटेरिया फॉलो करना है आपको, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करना है, फायरबोल्ट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को आपको फॉलो करना है, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं, आप सभी को भी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसको रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट में एक क्वेश्चन रह जाएगा, वो मैं आपको यहीं पूरा कर देता हूँ, ये वाली लूँ या मैं जो पेबल की कॉस्मोस इंगेज आई है वो लूँ। स्ट्रेट अवे मेरा आंसर रहेगा ये वाली ले लूँ, उससे काफ़ी बेटर रहेगी क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है पेबल की। और दूसरा पेबल में क्या है कि एग्जैक्टली वायरलेस चार्जिंग तो मिल जाएगी आपको, पूरा का पूरा आपको UI थोड़ा सा कार्टूनिश मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको चाहिए तो अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं लेके आ जाऊँगा आप सभी के लिए, मैं ले आऊँगा दोनों ही वॉचेस का, इसका तो लाऊंगा ही लाऊंगा, उसके साथ में इसका कंपैरिजन कर दूंगा। बट अगेन गाइस, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी और साथ में डेफिनेटली ओवरऑल फीचर्स में बेटर चाहिए तो इस वॉच को आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये भी नहीं पता है कि गेम्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो गाइस ये था एक सिंपल सा वीडियो, और गिव अवे के लिए रेडी हो जाओ। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।